వెల్కమ్ టు బీటీఎస్ న్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతలు మరియు కార్యకర్తలతో కలిసి పాదయాత్ర కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ పాదయాత్ర కార్యక్రమంలో అనిల్ కుమార్ గారితో పాటు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ జనరల్ సెక్రటరీ, బోలక్పుర ముషీరాబాద్ డివిజన్ ఎక్స్ కార్పొరేటర్ వజీద్ హుస్సేన్, ఇబ్రహీం కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ మెంబర్ మొహద్ అబ్దుల్ ఖాదీర్ మరియు ఇక్రమ్, అలాగే కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్బంగా ఎక్స్ కార్పొరేటర్ బోలక్పుర డివిజన్ వజీద్ హుస్సేన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన విధంగా వృద్ధాప్య వికలాంగుల పెన్షన్ పెంచుతామని, అలాగే నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ భృతి, మంచినీటి సరఫరా లాంటి మరెన్నో అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తామని తెలిపారు. కావున డిసెంబర్ 7న జరగబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించవలసిందిగా ఆయన కోరారు. చూసిన ఉండండి బీటీఎస్ న్యూస్. ఆజ్ హల్క అసెంబ్లీ ముషీరాబాద్ మే అసెంబ్లీ ఇంతఖాబాద్ కే సిలసిలే మే బల్దియా హస్తే బోలకపుర డివిజన్ కే ముఖ్తలిఫ్ మహల్లే దార్ మొహమ్మద్ నగర్ జైన్ మస్జిద్ ముషీరాబాద్ బేగున్ బస్తీ మేతర్ బస్తీ అక్కడ్ శేఖర్ డివిజన్ సందాని గల్లీ దర్వాజా గల్లీ మండీ గల్లీ के साथ साथ कुतुबशाही महल्ले के पास पदयात्रा इख्तिताम को पहुँची. इस पदयात्रा में हमारे हरदिल अजीज महाकुटुंबी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जनाब मनीन कुमार यादव साहब ने घर घर पहुँच कर आवाम से रब पैदा किया, उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की. इस पदयात्रा में देखने को मिला कि आवाम बहुत ही शदीद गुस्सा और शदीद बरहमी का इजहार किया, इसीलिए कि पिछले 4.5 साल के दौरान रियासत तेलंगाना की राष्ट्र समिति हुकूमत और मुकामी जो रुकन असम्बली थे डॉक्टर लक्ष्मण, इन्होंने तरक्याती कामों में अदम दिलचस्पी का इजहार किया. आज हम दौरा करने के बाद ये महसूस किए कि आज भी मुख्तलिफ महलजात में पीने के पानी की सरबराही और सेवरेज लाइन की नाकस्ता हालत की हर आवाम ने अपनी तरफ से शिकायत की, और साथ ही साथ बुजुर्गों ने इस बात की शिकायत की कि मौजूदा जो जैसे तेलंगाना में हुकूमत की तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो सरबराह हैं चंद्रशेखर राव जी, इन्होंने इख्तदार संभालने के बाद पेंशन को जो 200 रुपये से 1000 रुपये किया और डिजेबल पर्सन को जो इन्होंने 1500 रुपये की पेंशन दी. बड़े अद्भुत की बात हमें देखने को मिली कि इन अफराद को आज भी पेंशन सही तरीके से नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ माजूर हजरात जिनके पास एक बेटा है वैसे हजरात के जो पेंशन को जो कैंसिल किया गया ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है. इसी तरह से जब सलम एरिया में हम लोग गए वहाँ पर गरीब आवाम ने ये इस बात का शदीद नाराज़गी के साथ इजहार किया कि हमारे पास मकान नहीं है, डबल बेडरूम देने की बात कही, आज तक हमारे एरिया में कोई सर्वे नहीं हुआ, ना कोई अहदेदार हमारे एरिया में आके हमसे बात किए, ना हमारी माशी आरात को इन्होंने देखा. गुर्बत की कसमापुरसी के आलम में आज भी सलम एरियाज में हवा काफ़ी मुश्किल हालात से दो चार है. इन हालात को देखने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो महाप्रतिमी के जनाब एम अनिल कुमार यादव ने इस बात का वादा किया कि जब भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इख्तदार पर आएगी तो आपके मकानात को तामीर करने के लिए मैं हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए आप लोग मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए का लोन हम देंगे. इसी के तरह जिन्होंने इस बात का भी वादा किया कि आने वाले दिनों में जब कांग्रेस पार्टी बरस इख्तदार आएगी गरीब आवाम को महाना 6 सिलेंडर गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, इसके लिए कोई कीमत नहीं रखी गई बल्कि मुफ्त में 6 सिलेंडर सालाना इजरा किए जाएंगे, और साथ ही साथ गरीब आवाम को उनके माशी हालात को मजबूत करने के लिए उनके रोज़गार से मजबूत करने के लिए इन्होंने खासतौर पर राशन दुकानों पर सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि गेहूँ शक्कर इमली तेल नमक और दीगर अशिया को भी कांग्रेस पार्टी सरबराह करने का वादा किया. इन हालात को देखते हुए हमें इस बात का भी एहसास हुआ कि मुख्तलिफ महलजात में खस्तों की सड़क हालत डेरीटन की नाखस्ता हालत जिसकी वजह से जगह जगह ड्रेनेज का गंदा पानी नलों में आने की शिकायत की गई, जिस पर हमने इस बात का वादा किया कि हमें इख्तदार पर लाइए, आने वाले इंतखाबात में 7 दिसंबर के दिन
जो बहुत ही अहम दिन है, जमहूरी वोट का हक हमें हासिल है। हिंदुस्तान भर में एक आम शहरी जो वोट के बैंक के जरिए अपनी जमहूरियत को बरकरार रखता है, उस दिन मैं खासतौर पर मुस्लिम अकलियतों से, हिंदू भाइयों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से और नौजवान साथियों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हुए अपने वोट बैंक के जरिए, जिस तरह से अपने दौरे के दौरान आपने नाराजगी का इजहार किया, अपने वोट बैंक के जरिए इन्हें फौरी तौर पर यहाँ से शिकस्त पास करें। और खासतौर पर कोरोना परिस्थिति की जड़ें जो हिंदुस्तान भर में दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, इसको निकाल फेंकने के लिए आपका एक एक वोट बहुत अहमियत का दिन है। 7 तारीख का दिन आपके लिए इनकलाब का दिन होगा, 7 तारीख का दिन आपके लिए पेंशनों को मंजूरी का दिन दिलाने वाला होगा, 7 तारीख का दिन आपकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करने का दिन होगा, आपको 7 तारीख का दिन अच्छे पानी के सरबराह के लिए होगा, 7 तारीख का दिन आपको नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप के लिए, फीस रिइंबर्समेंट के लिए और गरीब आवाम को 6 सिलेंडर मुफ्त में देने के लिए होगा। इसीलिए मैं यही कहूँगा सारी आवाम से अलखसमें मुशराबाद की कि वो आप एक एक वोट का इस्तेमाल करें। जुमा का दिन है इसीलिए काफ़ी अहमियत का दिन है। अब जुमा का बहाना बनाकर अपने वोट जो 5 साल के लिए इस्तेमाल किया जाता है उससे महरूम ना रहे, बल्कि अपने करीबी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने एम्बुलेंस फुर्सत में अपने वोट का इस्तेमाल करें। ना सिर्फ आप इस्तेमाल करें बल्कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, साथियों को और दीगर महल जात में रहने वाले सभी आवाम को आप टेलीफोन करके जरूरत पैदा कीजिए और अपने वोट को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर कीजिए। और यकीनन आने वाला दिन 7 तारीख का दिन मुशीराबाद असम्बली हल्के में कांग्रेस पार्टी का परचम लगाने का दिन होगा और हमें खुशी होगी कि यहाँ से फिरका परस्त ताकत है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया, जिन्होंने डीजल की कीमतों को बढ़ाया, जिन्होंने गैस की कीमतों को बढ़ाया, जिसको देख के हमें इस बात का अफसोस होता है कि हर जगह आप जाइए महंगाई आसमान को छू रही है। इसको कम करने के लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेता सदर जनाब राहुल गांधी जी बहुत ही बड़ा बेड़ा उठाने वाले हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथ मजबूत करने के लिए रियासत में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी का मजबूत जो भी इस्तेकाम है उसको मजबूत करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी के हाथ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।